एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कल तो जो मेरी थकान थी सब था, साथ में व्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी। आज मुझे सोते सोते बज गए 4 और उठी भी हूँ, भी मैं लेट ही उठी हूँ, लेकिन व्लॉग भी एडिट करना था क्योंकि वो पता नहीं पुराने फ़ोन से कर रही थी तो कुछ उसमें इश्यूज आ रहे थे, अपलोड ही नहीं हो रहा था और मुझे 10 बजे तक तो व्लॉग पोस्ट ही करना था। सो भैया कल तो मेरी बैंड बजी हुई थी, लेकिन ठीक है, आज का दिन हो गया शुरू और आज की अलग ही एक्साइटमेंट है। आज भी हम कुछ कुछ करेंगे क्योंकि आज क्या है, आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। और जो लोग, बहुत लोग होली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो भाई जो होली कर रहे हैं उनके लिए हैप्पी होली। और वुमेंस और जितनी भी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, एंड ऑल यू ब्यूटीफुल गर्ल्स वुमेंस आउट देयर, हैप्पी वुमेंस डे। हमेशा वुमेंस डे रोज ही रहता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिन एक स्पेशल करने के लिए रखा गया है तो भाई कुछ करना ही चाहिए, तो चलिए कर लेते हैं। हमने तो कर ही लिया था, हमने तो 4th को ही सेलिब्रेट कर लिया है। वो व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए और इसे तो देखिए ही देखिए। तो आज भी देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। तो चलिए फिर आज का दिन भी ऐसे ही बिताते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे आज भी हम पक्का से, है ना बेटा? हाँ सही, देखा मेरा बेटे ने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही, तो देखते हैं क्या। थके हुए तो बहुत हैं सभी लोग, बट ठीक है, विल ट्राई टू डू समथिंग। चलिए तो भाई वुमेंस डे है तो स्टार्ट थोड़ा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाने पे होता है। मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज है, थायराइड है और काफ़ी कुछ कुछ है, तो भाई बहुत दिनों से उसके मैंने टेस्ट नहीं किए हैं, तो आज भाई आ गई उनकी बारी। तो हम जा रहे हैं थोड़ा ब्लड टेस्ट अपना देने के लिए, कुछ है नहीं लेकिन एज अ प्रिवेंशन, यू नो लाइक इट्स बेटर। और पीछे आप देख रहे हैं सब, वो होली का सब हटाया जा रहा है और सफाई, बेचारे जितने भी स्टाफ है सब बिजी है, मैंने गंदगी तो हमने बहुत की है, अब उन बेचारों को झेलना पड़ रहा सफाई कर करके, पर क्या करें, एंजॉय भी तो करना था। सब गंदा हो पड़ा हुआ है, इसको साफ करने में पता नहीं कितना टाइम जाएगा। जैसे थकान का समझ ही नहीं आ रहा, एकदम लेवल ही नहीं है कुछ करने का, थक के एकदम हाथ पैर सब दुख रहे हैं। और ये लड़का, ये सोने का नाम नहीं ले, सवेरे से उठ के बैठे, क्या ही करूं मैं इस लड़के का। अब मुझे बोलोगे तो अभी सो जाऊं तो मैं अभी सो जाऊं, मुझे जैसे नींद ही पूरी नहीं हो रही है, एकदम से थक के एकदम हालत खराब हो पड़ी है। और इनको कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या आप लोग के सपने भी ऐसे ही होता है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, ये बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। मम्मी अभी तक जगी थी, अब मम्मी थोड़ी देर सोने गई है, अब मैं बैठी हूँ इनके साथ में। अब चाय पी के ही थोड़ी देर ताज़गी आएगी, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा चाय बना लेती हूँ। वैसे भी 5 बज चुके हैं, थोड़ी देर चाय वाय पीने में बनने में भी टाइम जाएगी। उसके बाद जैसा मैंने कहा था, कुछ और तो प्लान नहीं बन पाया था, आज जाना था हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी ना वुमेंस डे के नाम पे, कुछ तो कर लेते, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था। मतलब वो रेन डांस हो रहा है और सब हो रहा है ना, इतना पानी से उस समय समझ नहीं आता, लेकिन बाद में ना वो ठट 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 इतना तेज़ आपके सर पे गिरता है, बॉडी पे गिरता है ना, कि अब वो इतना दर्द हो रहा है ना, हेडेक हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, कि हिम्मत ही नहीं हो कि कहीं जाए। आराम भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी कम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई और कितना सो जाएं। और एक युवान सिंह है जिनको सोना नहीं है, दिखाया ही मैंने आपको कि वो पूरी टाइम ऐसे ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं यहाँ से वहाँ, सबको परेशान कर रहे हैं। हाँ लेकिन शॉपिंग का प्लान तो नहीं हो पाया, बट हम जा रहे हैं मूवी देखने। यस, जैसे कि आज 8 मार्च को रिलीज़ हो रही है 2 झूठी मैं मक्कार, नहीं झूठी मक्कार, पता नहीं कौन झूठी कौन मक्कार, वो तो वहाँ जाके ही देखेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं कुछ, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। तो भाई आज का दिन हमने कुछ तो किया, जो प्लान किया था वैसे तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ थोड़ा लेट नाइट शो है तो ठीक ही है, थोड़ा सा शशांक भी रेस्ट ही कर रहे हैं, उसके बाद चाय वाय अभी हम लोग पीते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद में जब थोड़ा बहुत जो काम है अभी वो भी निपटाना ही, घर का सुबह से बहुत आलस आ रहा है, कर लेते हैं और फिर हम मिलेंगे थिएटर में। भाई जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हो गई हूँ रेडी मूवी के लिए,
और जितनी भी थकान थी भाई वो मूवी के नाम से ही मेरी निकल जाती है, स्पेशली रणबीर कपूर, मतलब रणबीर कपूर की तो मैंने सारी ही मूवीज देखी हैं, एक भी नहीं छोड़ी हूँ, भले वो हिट फ्लॉप जो, आई जस्ट लव हिम, सो मैं ये मिस नहीं कर सकती थी। एंड फ्रेंड्स के साथ जाने का एक अलग ही मज़ा होता है, इस वजह से हम आज का ही प्लान हमने कैंसिल नहीं किया, हमने कहा भाई चलो ठीक है। एंड थकान वैसे भी आप देख भी सकते हैं कि अब मेरे चेहरे पे कोई थकान भी नहीं है, सो देखते हैं। और रणबीर कपूर एंड लव रंजन तो कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, तो अब तो मूवी देखने के बाद ही आपको बताऊंगी कि कैसी थी मूवी। तो चलिए आप भी मेरे साथ, अब मिलते हैं थिएटर्स में। तो ट्विनिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज हमने कुछ तो सेम पहना है, मैंने और सुशांत ने, आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा आउटफिट विच इज ब्लैक एंड वाइट, आपका टी शर्ट दिखाओ जरा, और ये है इनका टी शर्ट जो कि है पैंडा का। हम दोनों बने आज पैंडा भाई। ये गाड़ी देख के तो भाई इसमें बैठने का बड़ा मन कर रहा है, पर गिन्नी चलाई जाने यो भाई। ये देखिए क्या गाड़ी है, सोच रहे कि क्या ही पता कोई तो आया होगा, होपफुली कोई रिव्यूज के लिए आए हो तो, आई डोंट नो, बट गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया यार। तो भाई अब हम लोग पहुंच गए हैं मूवी देखने, और बहुत एक्साइटेड है हम लोग, ध्यारू बहुत एक्साइटेड है, ध्यारू अभी एक फ्रेंड का वेट हो रहा है, फिर हम अंदर चले जाएंगे, तो मिलते हैं आपको मूवी के बाद। और ये है ध्यारा, इसको मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस खेलने से मतलब है। और आ गई है रश्मि एंड वाह गुल्लू तू भी ब्लैक, आज हम लोग ब्लैक ब्लैक ब्लैक। पहले हम एक पूजा पहले करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए खाना जरूरी, इतना भी खाकर आ जाओ लेकिन खाना जरूरी है, सही बात है। और ये आ गई रश्मि। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 1:45, अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, युवान सो रहा है उस रूम में, इसलिए मैं दूसरे रूम से व्लॉग एंड कर रही थी, लेकिन मूवी ठीक थी, मुझे तो रणबीर कपूर पसंद है तो मैं तो उसकी सभी मूवीज देखूंगी, तो मेरे लिए तो मूवी वॉज वेरी नाइस, आई जस्ट लव हिम। बाकी सबके अपने अपने रिव्यूज हैं, लेकिन अब वो रिव्यूज तो सबके अपने अपने चैनल्स पे मिल ही जाएंगे, बट आई जस्ट लव्ड हिम, आई लाइक हिज एक्टिंग ऑल्सो। आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।